हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत नमस्कार। और मैं यह यूट्यूब चैनल समर्पण टेक्निकल को इसलिए बनाया है ताकि आपके कुछ घर की समस्याओं को मैं दूर कर पाऊँ और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सहायता, या हो सकता है कि आपको वायरिंग करने के लिए भी मैं बताऊँ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाने के लिए भी इसमें मैं बताऊँगा, और जो भी कुछ नए अपडेट्स मिलेंगे हमको टेक्निकल से संबंधित उन्हें भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत नमस्कार, और फास्ट अपडेट के लिए आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन लोगों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। चलते हैं अपने वीडियो के मेन पॉइंट की ओर। तो सर, आज का टॉपिक्स है कि वीडियो कॉन के सेट टॉप बॉक्स में आरएफ रिमोट काम नहीं कर रहा है। पहले तो आप समझ जाइए कि वीडियो कॉन का सेट टॉप बॉक्स दो तरह का होता है। एक तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल में एचडी और नॉर्मल दो तरह का बॉक्स होता है, और एक हमारा जो लेटेस्ट बॉक्स होता है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, उसमें आप दूसरे घर से भी अगर रिमोट को दबाइएगा तो आपका चैनल चेंज होगा, उसको बोला जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी। लेकिन इसमें अभी बहुत सारा सेट टॉप बॉक्स में प्रॉब्लम आ रहा है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो सेट टॉप बॉक्स होता है उसमें सेट टॉप बॉक्स और आपका रिमोट जो होता है वो पेयरिंग होना ज़रूरी होता है, तभी वो सेट टॉप बॉक्स पर काम करता है। अगर वो पेयरिंग नहीं है तो वो सेट टॉप बॉक्स पर काम नहीं करेगा। तो पेयरिंग करने का प्रोसेस क्या है उसको आपको समझाता हूँ मैं। पेयरिंग करने के लिए आप ये देखिए, मैंने एक वीडियो को अभी चालू किया है, और ये वीडियो मैंने बनाया था और फिर मैं बाद में इसमें एडिटिंग करके इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा ये सेट टॉप बॉक्स चल रहा है, और ये हमारा आरएफ रिमोट, देखिए रिमोट में आरएफ भी लिखा हुआ होगा शायद, आप देखिएगा एकदम ऊपर में, देखिए जब भी आप बटन दबाइएगा तो उसमें एक लाइट ब्लिंकिंग करता है ऊपर में। ये अभी नया वाला सेट रिमोट है, इससे पहले पुराना वाला भी एक रिमोट है, तो वो भी यही सेम प्रोसेस है दोनों का, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि देखिए, आप रिमोट अभी काम नहीं किया तो अभी मैं क्या करूँगा, सेट टॉप बॉक्स के पीछे एक फैक्ट्री रिसेट का बटन होता है, उस फैक्ट्री रिसेट के बटन को क्या करना है कि दबा करके उसको रखना है, उसको दबा करके रखिए। लगभग लगभग उसको दबाना है आपको 1 मिनट से ऊपर, ठीक है, 1 मिनट से ऊपर आप दबाइए उसको, दबा करके रखिए 1 मिनट, ठीक है। देखिए मैंने उसको दबा करके छोड़ दिया है, 1 मिनट से कुछ ज़्यादा कम ही टाइम लगता है। वहाँ पर बोल रहा है, लिखा हुआ आएगा कि आप स्टार बटन को दबाइए, तो स्टार बटन को दबा करके 5 सेकेंड रखना है, 5 सेकेंड एकदम टाइम देख करके। उसके बाद में लाइट, अगर ये रिमोट लाइट जलेगा, अगर ये रिमोट नहीं है तो लाइट नहीं जलेगा, तो उसमें ओके बटन फिर दबा दीजिए। उसके बाद एक कोड आएगा लिखा हुआ टीवीएस स्क्रीन पर, प्लीज़ इनपुट कोड, उसके बाद कोड डालिएगा, पेयरिंग इज सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोग जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि सेट टॉप बॉक्स बढ़िया रहता है, उनको लगता है कि पता नहीं रिमोट काम नहीं कर रहा है तो लगता है कि मेरा सेट टॉप बॉक्स ख़राब हो गया है, तो वो लोग क्या करते हैं कि टेक्नीशियन विजिट करवाते हैं। टेक्नीशियन आता है, उनका 200 रुपया सर्विस चार्ज लग जाता है, प्लस में उनका अगर सेट टॉप बॉक्स अगर रिमोट ख़राब है या रिमोट का बैटरी लूज है तो बैटरी का पैसा या रिमोट का भी पैसा लग जाता है, टेक्नीशियन लोग रिमोट का भी पैसा ले लेते हैं। तो चलिए, ये चीज़ आपका है कि रिमोट आप इस चीज़ आरएफ में इस चीज़ को करके देख सकते हैं। ये था आरएफ पेयरिंग, आरएफ रिमोट पेयरिंग करने का वीडियो, ठीक है सर जी। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं सर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने दोस्तों को भी इस जो है पेयरिंग सिस्टम को भेजिए, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाले समय में बहुत कुछ हम मैं बताने वाला हूँ, बहुत कुछ टेक्निकल से संबंधित जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। ये एक पहला वीडियो है मेरा, ये आप लोगों को मैंने शेयर किया है। हो सकता है कि थोड़ा सा मेरे को कुछ बनाने में दिक्कत हुआ होगा, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मेरे बातों को समझ लीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल।